और दोस्तों क्या हाल चाल है, कमेंट करके जरूर बताना यार। और एक और चीज, आज की वीडियो इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसका टाइटल बहुत ही खतरनाक, फिजा खान को याद आए मोदी मोदी मोदी, फिजा खान रोस्ट। तो वो न्यूज एंकर ना फिजा खान, तो देखते हैं आज भाई ने किस कलाकार से रोस्ट किया है, और ये बहुत फनी होने वाली, एंटरटेनमेंट के लिए बस, मस्ती मजाक में। तो लेट्स सी द वीडियो, और बाकी आप और वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। लेट कैसे होगी तू आज? लाइक भाई साहब, 1 2 3 गो। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। उसको सांस तो लेने दे बे। हर जालिम को मिटाने के लिए कोई ना कोई मसीहा आता है, और उस मसीहा का नाम क्या है? जैसे नरेंद्र मोदी। जैसे नरेंद्र मोदी, हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोल। जैसे नरेंद्र मोदी का। बीच में ना बोल। जैसे नरेंद्र मोदी का। बीच में ना बोल। अरे माथे पर यो ने लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। केड़ा लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोल। जैसे नरेंद्र मोदी। मैं माजरा चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहा। रज़ाक बरखानो, मैं हूँ पाकिस्तान, और मैं हूँ तुम्हारा बाप हिंदुस्तान। ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के हिंदुस्तान हमेशा बजाता आया है, हमेशा बजाता रहेगा, और ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। वो मुसलमानों के गिर घेरा तंग करके उन्हें खत्म करना चाहते हैं। इसकी बात सुनकर इंडियन मुस्लिम और अब तो सेकुलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाजे हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाजे हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। सारे वर्ड आज ही बोल दिए। ओके, आज के बाद नहीं खबर। जो क्लिप ढूंढ रही है ना भाई साहब, सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो दोस्तों, हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा को एक बार फिर मोदी जी पे प्यार आ गया है, और उस प्यार के भाव में इतनी बह गई है कि अपने होश आवाज गंवा चुकी है। जैसा कि आपको पता है, ये तथाकथित फिजा खलीफा हमेशा हमारे मोदी जी पे प्यार बरसाती है, अपनी जुबान से फूलों की हमेशा बारिश करती है। आज फिर फिजा खलीफा को मोदी जी पे प्यार आया है। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, कैसा लगा? तो आज इसके प्यार की हम लेंगे अग्नि परीक्षा। तो इस अग्नि परीक्षा का आप और हम लेंगे साथ में मजा। और अगर हम दूसरों के ऐब ही तलाश करते रहे तो फिर हम दूसरों की और अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लेंगे, अजाब बना लेंगे। भाई क्लिप बहुत बढ़िया लगा रहा है। वो मुसलमानों के गिर घेरा तंग करके उन्हें खत्म करना चाहते हैं। भारत में अकलियतों के लिए जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी के जो जुल्म है, सितम है, उसे कोई भी महफूज नहीं है। अगर हमारे यहाँ अकलियतों पे जुल्म किया जाता तो बंटवारे के समय ये 3 करोड़ थे, आज 30 करोड़ नहीं होते फिजा खलीफा जी। वो फिरौन और हिटलर को भी मेरे ख्याल से बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। फिरौन और हिटलर से ज्यादा जालिम। ओए होए मोदी जी, इतना जुल्म ना करो इन बेचारे पाकिस्तानियों पे, देखो कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं आपके आगे। ठीक, इसी तरह मुसलमानों पर जिंदगी तंग की जाने लगी है और उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही। मोदी के गुंडे नमाजियों को नमाज पढ़ता देखकर उन पर लाठियां बरसाना शुरू हो जाते। हमारे मोदी जी लाठियां बरसा रहे या नहीं बरसा रहे ये एक अलग विषय है, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारी मस्जिदों पे बम जरूर बरसा रही है। पॉइंट है, पॉइंट भाई ने बहुत ही। आप ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं या कि हम कर रहे हैं? बाय बाय। अच्छा, वैसे तो जो मोदी है ना, अपनी जुनूनियत में इतना अंधा हो चुका है कि पूरा भारत ही उसे खतरा महसूस करने लगा है। फिजा खलीफा जी, पूरा भारत नहीं डरता है, पूरा पाकिस्तान मोदी के नाम से थर थर कांपता। पाकिस्तान में मोदी के नाम का डर का माहौल है, इसलिए तो 24 घंटे मीडिया में बैठ के मोदी 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 करती रहती हो। और क्या करती हो तुम? ये
ये वर्ड ही ऐसा है ना, वो दुनिया जो मोदी को मोदी की किसी खामी को वो नजरअंदाज करते थे, उनको नजर ही नहीं आती थी कि मोदी में को खामी है। अब वो भी कहती है कि मोदी जालिम है। फिजा खलीफा जी, आप मोदी जी के प्यार में इतनी गिर गई है कि आपको हर जगह ही लगता है कि हर कोई ऐसा कह रहा है कि मोदी जालिम है जैसा कि आप कहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी लोग मोदी जी से जितना प्रेम करते थे उससे कहीं ज्यादा प्रेम करने लगे। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू, अरे गाना गा, आई वांट यू, आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। मोदी शैतान है और शैतानियत का प्रचार कर रहे और पूरा भारत मोदी के खतरे से दूर। अब वो लोग बोल रहे हैं जो बोलते ही नहीं, जो बिल्कुल चुप। जब से मोदी जी आया हमारा देश ऊंचाइयों को छूता जा रहा, लेकिन तुम्हारा कटोरा खान जिसकी तुम चमची हो वो तुम्हारे पाकिस्तान को कहां ले जा रहा है, एक बार वो भी तो देख लो। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माय व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। It is not a going concern. The balance जो आप इस वक्त इसको accounting term में बनाएंगे तो ये country bankrupt। मुल्क दिवालिया हो चुका। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ये अभी कल क्लास साहब जो याद फरमा रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है कि आप bankrupt हो चुके हैं और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। आपके अपने हालात क्या है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस आपकी मिल नहीं रही है। तजावीज का क्या मतलब, पैसे चाहिए तजावीज क्या है, वो एक मसला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसला ये है कि बैंकिंग सिस्टम डूब चुका है। अफसोस की बात है कि आपके एक एमएनए साहब अपने सर दर्द का इलाज कराने के लिए फ्रांस गए हैं, तो आप यही अंदाजा लगा लें कि आपके आपके पाकिस्तान की क्या हालत है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्टसी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। वहीं के लोग बता रहे हैं जब आपका सारा एंटायर डिफेंस बजट जो है कर्जों से हो रहा हो तो उसी को दिवालियापन कहते हैं। लेकिन मोदी ये बात अच्छे से जानता है कि उसकी जो दलीलें हैं, उसके आर्गुमेंट्स हैं, उसके उठाए जाने वाला हर इकदम खोखला है, जो उसके इकदार को जो इकदार है उसका उसको ज्यादा देर तक कायम रखने में मदद नहीं कर सकता। तेरा बाप आया फुल स्वैग क्राइंग फिजा खान। अच्छा दीदी रोती भी है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फैन पेज पर आकर कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। मूल तोड़ने की बातें कौन कर रहा है, भारत भी यही चाहता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, खुदा ना खास्ता। मैं मदद नहीं कर सकेगा। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है जैसे मोदी जी इसकी बुआ को लेके भाग गए। जितनी बार ये अल्लाह 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 नहीं बोलती थी उससे ज्यादा ये मोदी मोदी करती है। और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ भारत ही हो। लगाया अच्छा यार भाई ने बहुत ही रिसर्च कर रहे क्लिप में से गिराना मत, थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है। बिना मोदी का नाम लिए इस औरत को चैन ही नहीं आता। और वो जो मोदी जी इसकी बुआ लेके भागे ना, उसकी पर्सनल खुन्नस आके अपने टीवी स्टूडियो में बैठ के निकालते। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिए। तो दोस्तों इसी बात पे एक ढूंढ डांस तो बनता अभी तक। आप जिस औरत को देख रहे थे इसका नाम है फिजा अकबर खान, ये पाकिस्तान की पत्रकार है, लेकिन ये एक तरीके से मेंटल केस है पाकिस्तान का, इसको पाकिस्तान में भी कोई सीरियस नहीं लेता है, तो आप लोग भी इसको सीरियस मत लिया कीजिए। लेकिन ये जो चिढ़ती है चीखती है चिल्लाती है तो इसका हम भारतीय सारे आनंद लेते हैं और आज से नहीं सालों से लेते आ रहे हैं, और ये जब तक ये पत्रकारिता करती रहेगी हम इसका आनंद और इसका लुत्फ ऐसे ही उठाते रहेंगे। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। उसमें फॉलो करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, मैंने फ्री करवा रखा है बिल्कुल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। कुछ तरीका है भीख मांगने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, मजेदार वीडियो बनाई भाई ने। हेल्दी रोस्ट, हेल्दी रोस्ट था। और मैं कहूंगा भाई ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको देखना पसंद है, हाँ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर चेक आउट करें इनका चैनल। मतलब
वो जिस तरह से बोल रही थी उसके आसपास जो भी वो, मतलब आवाज है और भी वहां बैकग्राउंड वो चल रहा था और भी जो कम इतना बढ़िया था ना। और जैसे वो था ना कि अरे बस कर बस। बीच में जो मीम्स लगा मैंने बोला था बचपन में से सर नहीं सर के बल मत गिराना ऐसे कुछ आशीष किया बढ़िया था कि जैसे बुआ लेके भाग गए पॉइंट वो मारा और प्लस जो लगा रखा था ना वो मोदी जी बोल रहे थे ऐसे दिल बना रखे वो साइड से वैसे देखते हैं ऐसा, वो बढ़िया लगा रखा था बहुत ही बढ़िया एडिटेड थी प्लस मस्ती भरी वीडियो बनाई थी और हाँ। कहा था ना ये सालों से मतलब ऐसे करते हैं इनको पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता ऐसे कर। और वो अच्छा था कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मैंने फ्री करवा रखा है गाइस इन्हें फॉलो कर लो हमने बिल्कुल फ्री करवा रखा है हमारे पैसे लगे हालांकि उसे फ्री करवाने में बट आप लोगों के लिए हमने फ्री फ्री करा रखा फॉलो कर लो यार मजा वीडियो थी भाई भाई का बोलने का तरीका बहुत मस्त है आराम से बैठता है अरे सुनो मैडम और जो वहां के लोगों की भी वो चीज इंटरव्यू दिखाए ना वो भी कहीं ना कहीं कि आप तालिबान को लोन देने की बात करो आप पहले वो हालत नहीं वो चीज बहुत सही पॉइंट करी मेरे को ये लगता है कि डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान पे इतने इंटरनल वो भी होंगे चलो ठीक है लेकिन इतनी बार तो मोदी 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 मुझे लगता है इंडियन वो भी मीडिया भी इतनी बार मोदी 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 नहीं जपती होगी इतनी बार वो जप रहे हैं मोदी 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 वो चल रहा है वहाँ और मजेदार थी वीडियो और प्लस एक और चीज मैं कहूंगा कि समझदार लोग हर देश में होते हैं बस ये कि समझदार लोगों कई बार आवाज दबाई जाती है कहीं पर कहीं पर नहीं दीपक की आवाज में दबा के रखती हूँ सॉरी मेरी आवाज दीपक दबा के रखते हैं ये हुई ना बात लड़की कैसे आप लोगों को कैसे लगी वीडियो जरूर बताना और अमेजिंग वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो रिएक्शन के लिए जुड़े रहिए मुस्कुराते रहिए मिलते हैं गुड के साथ बाय टेक केयर।